रैप चल रहे ने, रैप चल रहे ने, पता नहीं कदों कंप्लीट होएगी, रैप चल रहे ने, दूसरा दिन खत्म हो गया है। It's finally the time के इस गाड़ी को रैप कर दिया जाए। एक तो बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है और दूसरा जिम करके ना ये बाजू, ये गर्दन, ये सब कुछ ना जैम हो चुका है। जैम बड़ी आवाज़ आ रही होती है जब काफ़ी देर बाद आप जिम शुरू करते हो या पहली दफ़ा शुरू करते हो। एक दफ़ा बॉडी आपकी कहती है कि भाई तेरे से नहीं होगा, लेकिन शुक्र है कि इस दफ़ा मोटिवेशन है, कंसिस्टेंसी रहेगी, उम्मीद है कुछ महीनों तक तो रहेगी, सालों तक बाद जाती है ये नहीं पता। खैर इसको आज होपफुली गाड़ी शुरू करेंगे। बड़े मुश्किल से हमें एक बंदा मिला है, तो बिना किसी देर किए लेट्स गो एंड बाकी बात आगे जाके करते हैं कि कहाँ जा रहे हैं करवाने। अभी के लिए बस हिम्मत करके नीचे निकलें और जाके गाड़ी स्टार्ट करें जो कि फुल गर्म होगी। गर्म हमने फिट कर लिया अंदर बजा के, और उस्ताद जी बाहर इतनी को गर्मी है, हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ जल रही है, सीट जल रही है और कुछ ब्लैक रूम कराया हुआ है ना, ग्रैंडी ब्लैक, वन ऑफ वन इन पाकिस्तान ग्रैंडी ब्लैक कराई हुई है सारी, तो वो ब्लैक भी बहुत ज़्यादा अब्सॉर्ब करता है। लेट्स गो। ये कौन जा रहा है तो मज़े की बात है कि हम इधर ही जा रहे थे। वी आर हेयर एट उसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसको निकाला है, कुछ इसके साथ टीटो पट्टियां लगाते हैं, रील बनाते हैं और फिर गाड़ी को हम शुरू करेंगे। जी इट्स टाइम टू गड्डी खोलने लगे हैं, ठीक है ना, गड्डी खोलनी है, बम्बर बाहर आने हैं, लाइटें बाहर आनी है, ये ऊपर वाली स्ट्रिप्स हैं, डोर हैंडल्स बाहर आने हैं, पिछला बम्बर, पिछली लाइटें, स्पॉइलर ऑलरेडी आउट है। गाड़ी एक दफ़ा खुलेगी, खुल के सारी वॉश होगी और फिर उसके बाद ये होगा स्पेशल। वेरी एक्साइटेड फॉर न्यू कलर, दिस इज द लास्ट टाइम यू आर वॉचिंग वाइट नार्डो। इसके बाद ये हो जाएगी, क्या नाम देंगे इसको, लेट मी नो इन द कमेंट्स। गिड़ा कराएं तो जिस तरह एक दफ़ा हमने अंदर से स्ट्रिप की थी, ये बाहर से भी स्ट्रिप हो चुकी है, लाइटें, ग्रिल्स, इवन के बम्पर के जो स्पेसर्स हैं वो भी निकाल दिए हैं बाहर, ताकि ज़रा इजी पीजी हो के हर पीस के ऊपर रैप हो, और पिछला बम्पर भी बाहर है, पिछली बम्पर की किट्स, लाइटें, ईच एंड एवरी थिंग इज आउट। अभी होगा कि एक दफ़ा होगी वॉश, ज़रा इसके मिट्टी कट्टे दूर होंगे और उसके बाद उसके ऊपर शुरू होगा रैप। गर्मी इंतहा ये मैं बार बार दस रहा, लेकिन लेट्स सी कि आज रात तक कहाँ तक पहुँचेगी, तो जल्दी कोई नहीं है, जल्दी से करेंगे, इजी होकर करेंगे। कुछ भी ला, दिस इज़ हाउ शी लुक्स लाइक विदाउट बम्पर्स, विदाउट किट्स। अपनी गाड़ी का फेंडर पहली दफ़ा खुला हुआ देखा है और दिल को कुछ हो गया है, ये लात हो गए हैं बस। एक अच्छी चीज़ ये है कि हर एक इस तरह का पीस खुल के रैप होगा तो प्रॉपरली पेपर फोल्ड हो सके, इस तरह होना चाहिए रैप।
गाड़ी के जितने भी मोटे मोटे पार्ट्स थे, क्या कहते हैं वो, गाड़ी के जो मेन पार्ट्स हैं, जितने भी गाड़ी के मेन पार्ट्स हैं वो सारे आज कवर हो गए हैं। और जो बाकी बम्पर्स हैं, जो मेन पार्ट है बम्पर्स और जो नीचे वाली किट्स हैं जिनमें कर्व्स एक्चुअली सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट होता है रैप में, वो होगा कल। एक चीज अच्छी होगी है कि गाड़ी के सारे पार्ट्स को जितने खुल सकते थे, फेंडर्स ये वो सीन अलग अलग करके रैप हो रही है। दूसरी अच्छी चीज ये हुई है कि हमें बंदे का पुत्र मिल गया है जो वाकई रैप करना जानते हैं। इस दफा हमें वो भाई मिले हैं, तो जिस तरह आप बिल्कुल खत कर रहे होते हो ना पेंसिल को ऐसे पकड़ के हाथ में, उस तरह वो प्रॉपर कटाइयां, प्रॉपर बेंडिंग, अंदर को जो फोल्डिंग होती है पेपर की, वो कर रहे हैं। इस बात की तसल्ली मुझे हुई है क्योंकि इस बारे में थोड़ा सा मैं वहमी हूँ, मैं जरा डिटेल में इस दफा जाना चाह रहा था, तो इस चीज की अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फेक्शन है कि रैप अच्छा हो रहा है इस दफा। बाकी वेरी एक्साइटेड फॉर द कलर्स, जब होके पूरा होके आएगा अच्छा तो हम करा रहे हैं PPF ब्लैक, ग्लॉस ब्लैक PPF में छत काली कराएंगे सुबह। अभी जिम की वजह से एक तो जिस्म दर्द कर रहा फुल, सर में शदीद दर्द, नींद पूरी नहीं थी हुई तो चक्कर आ रहे थे उधर, फिर अभी के लिए मैं घर आ गया हूँ। सुबह फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है विद कम्प्लीशन। गुड नाइट अभी के लिए, सी यू इन अ बिट। हेलो 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 फ्रॉम द डे टू ऑफ द रैप। इसके बाद अब आज जो चीज़ें होनी हैं उनमें हमारे पास हैं, ये क्लोज जाके बताते हैं आपको। इसमें दोनों बम्पर्स हैं और जो बम्पर्स की एक्सटेंशन हैं नीचे वाली और साइड स्कर्ट्स अभी हमारे पास मौजूद हैं। VLRS VLRS पे जाएंगे हम लेने इस गाड़ी के, जो स्पॉयलर्स पेंट होने के लिए दिए थे हमने उस दिन, वो पकड़ेंगे। तब तक देखते हैं कि ये कहाँ पहुँचती है। क्या मैं ये रहा था कि आज दूसरा दिन है और दूसरी रात पड़ रही है गाड़ी को रैप होते हुए, तो एक तरह से अच्छी चीज़ है कि काम स्लोली कर रहे हैं, तसल्ली से कर रहे हैं। फोल्डिंग पे मैं बहुत खुश हूँ कि जिस तरह बंदे बैठ के भाई प्रॉपर उसको फोल्ड कर रहे हैं पेपर को, और यही चीज़ हमें चाहिए, यही चीज़ है जो लॉन्ग टर्म चलाएगी हमारे रैप को इंशाल्लाह। आज दूसरा दिन है, होपफुली उम्मीद करते हैं कि आज रात को ये गाड़ी कंप्लीट हो जाए। इधर से चले स्पॉइलर पकड़ते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर ज़रा फाइनल्स की तरफ पहुँचते हैं। तीसरा दिन और तीसरी रात हो चुकी है इस टाइम, और अब जाके हमारी गाड़ी जो है वो कंप्लीट हुई है। छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो बहुत टाइम लेते हैं, आई नो आप लोगों के मैसेज आ रहे थे, बट इस दफ़ा इस गाड़ी पे जो रैप हुआ है ना वो मैं कह सकता हूँ कि करोला पे इससे ज़्यादा नीट आप जा नहीं सकते, इससे ज़्यादा आप प्रिसीजन के साथ रैप कर नहीं सकते, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है ना सेटिस्फेक्शन है, तो ऑल थैंक्स टू द डैब। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको आप बता दें कि भाईजान गाड़ी पे PPF रैप और कोटिंग्स से रिलेटेड जो भी काम हो वो आप डैब पे आकर करवा सकते हैं। और एक और ऑफर है छोटी सी फाइनल लुक्स दिखाने से पहले, कि अगर आप नाडोगा करते हैं यूज़ प्रोमो कोड या मेरे रेफरेंस से आते हैं यहाँ पे, उनको आगे बताते हैं, तो आपको उस पर कोई 10% आई थिंक ऑफ मिल जाएगा। चेक द पेज टैब ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, हमजा भाई का नंबर मिल जाएगा, उनसे रब्ता कर लें, अपॉइंटमेंट बुक कर लें और आके अपना काम करा लें। अब चलते हैं ज़रा गाड़ी की फाइनल लुक्स की तरफ, जिसका पूरे पाकिस्तान को बेसब्री से इंतज़ार है, तो टेक रैप ने ना जस करा दिया, जस ज़रा मुलाहिजा फरमाएं। Just make you rich.